पटेल अस्पताल के पास 84 मरले के खाली प्लाट पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कब्जा करके वहां पर कार पार्किंग के लिए अवैध रूप से इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसकी शिकायत सिविल लाइन वेलफेयर सोसाइटी की ओर से नगर निगम की तह बाजारी शाखा में दी गई। सोसाइटी मेंबरों ने कहा है कि जिस जगह पर कार पार्किंग करवाई जा रही है उस जगह पर पहले पार्क बना हुआ था और बच्चे वहां पर खेलते थे, मगर किसी व्यक्ति ने पार्क की जगह पर कब्जा करके वहां पर पटेल अस्पताल के लिए पार्किंग बना दी। शिकायत मिलते ही प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मौके पर तहबजारी शाखा के सुप्रिंटेंडेंट विक्रांत वर्मा अपनी टीम लेकर पहुंचे और इलाके का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ नगर निगम के पटवारी भी थे, जिनको कॉलोनी वासियों ने पूरी कॉलोनी का नक्शा भी दिखाया, जिसके अनुसार कॉलोनी में कार पार्किंग की जगह पर सरकारी पार्क दर्शाया गया है। सर, साढ़े रेजिडेंट एरिया दे विच सिविल लाइंस पटेल हॉस्पिटल एरिया जेड़ा उहदे पार्किंग दी बहुत ज़्यादा न्यूनसेंस है पटेल हॉस्पिटल करके, तो उत्थे घरों चो निकलना भी साडा बंद हो गया। इस इन्नी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि बच्चे साढ़े ट्यूशनस नहीं जा सकते, कारा नहीं साडियां बाहर निकलदियां। इस मसले लिए असी आए थे कि मेयर सर, परेशानी है कि पटेल हॉस्पिटल की पार्किंग जी है उत्थे रोज 300-400 कारा आती हैं, लेकिन उन्होंने प्रॉपर पार्किंग नहीं हैगी पटेल को। अज कलोनी वाले 20-25 बंदे सवेरे मेरे दफ्तर इकट्ठे हो गए है, उन्होंने कहा भी पटेल हॉस्पिटल के नाल एक पार्किंग जगह खाली है जी, लगभग 84 मरले जगह हैगी है, भी इतने इलीगल गड्डिया की पार्किंग हो रही है, पर्चियां लग रही, तो इनकम प्राइवेट थाने जा रही है। तो मैं मौका देखा, मौका देख के मैं अपने पटवारी को, जो कॉरपोरेशन का पटवारी है, उन्होंने डायरेक्शन जारी करती हैं भी जो यदि फैक्चुअल पोजिशन बनती है, मौका देख के रिकॉर्ड देख के नक्शा देख के मैंने पुटअप की जाए, वो बेसते मैं अपने कमेंट लिख के अपने कमिश्नर साहब को ऑर्डर लवाँगा। जो जगह प्राइवेट आ तो फिर देखा उस की टैक्स वगैरह की लगाना या किस तरह उन्होंने जिठाएंगे, अदरवाइज फिर अपने रिमूव करा जो जगह की अपनी ना निकली। जलंधर से जार टीवी न्यूज के लिए विक्की कंबोज की रिपोर्ट।